कहा जाता है कि एक राजा की प्रजा बहुत ही समझदार थी। राजा अगर कोई भी गलत काम करता तो प्रजा उसके खिलाफ आवाज उठाती। राजा ने सोचा कि इन सबका गेम बजाना पड़ेगा, सबके विचारों का कंट्रोल मेरे पास रखना होगा। और राजा ने एक बड़े से स्टेडियम का निर्माण करवाया जहां नाच गाने चलते, स्पोर्ट इवेंट्स होती एक्सेट्रा। राजा का मकसद यही था कि लोग वहां जाकर व्यस्त हो जाए, खुद सोचना बंद कर दे और जो दिखाया जाए उसे बस देखते रहे, तो प्रजा पर कंट्रोल पाना आसान हो जाएगा। आज यही चीज आपके साथ करी जा रही है। वो चाहते है की बस कंज्यूम कंज्यूम और कंज्यूम ही करे जाओ। वो चाहते हैं आप टीवी देखो, वेब सीरीज देखो, सॉन्ग सुनो, मूवीज देखो, तब भी टाइम बचता है तो स्पोर्ट्स देखो, रील्स देखो और कुछ मत करो। मजे करने के लिए हमारी चीजें खरीदो, पैसे नहीं है तो हमारी ही कंपनी से लोन ले लो और वो लोन भी हमारी ही कंपनी में काम करके भरते जाओ। यानी कि आपको ट्रैप करने की कोशिश करी जा रही है। आपको इनकॉर्पोरेशन की जाल से बाहर निकलकर इस दुनिया को एक प्रोड्यूसर के नजरिए से देखना होगा, क्योंकि ये बैंक्स और कॉर्पोरेशन अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए लोगों की साइकी और उनकी मेंटल हेल्थ को भी बर्बाद कर देंगे। और धीरे धीरे लोग इन कंपनियों के इतने आदी हो जाएंगे कि वो पूरी तरह से क्रिटिकल थिंकिंग छोड़ देंगे। लेकिन बॉस, आपको एक रेशनल थिंकर बनना है और इस मैट्रिक्स से बाहर निकलना है।